हेलो जैन छात्रों, वेलकम है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों, आईटीआई छात्रों के लिए मैं बड़ी अपडेट यहां पर लेकर आया हूं। यहां पर आईटीआई छात्रों की बहुत सी समस्याएं आ रही है, बहुत सी प्रॉब्लम्स आ रही है, उनको मैं यहां पर दूर करूंगा। और कैसे आप लोग अपना मार्कशीट सर्टिफिकेट डाउनलोड कर पाएंगे, क्योंकि आईटीआई छात्रों को बहुत सी प्रॉब्लम्स यहाँ पर आ रही है। तो आप लोग वीडियो को कम्प्लीट देखिएगा, तभी आप लोगों को मालूम पाएगा। उससे पहले आप लोग चैनल पर नए हैं, अभी तक सब्सक्राइब नहीं किए हुए हैं, तो आप सब्सक्राइब कर लीजिए। आपको नीचे सब्सक्राइब का बटन दिख रहा है, उसको दबा के ऑल पर सेट करना है। और आज ही आप लोग चैनल को करके बेल आइकन को ऑल पर सेट कर लीजिए अभी, क्योंकि आगे आपको आईटीआई की जो भी अपडेट्स नोटिस आती है वो आपको बताई जाती है सबसे पहले। तो आप लोग सबसे पहले जान जाए, इसलिए आप लोग चैनल को अभी सब्सक्राइब कर लीजिए। तो आइए वीडियो को स्टार्ट कर लेते हैं। तो फ्रेंड्स, यहां पर मैं बिल्कुल प्रूफ के साथ आपको बताने वाला हूं कि यहां पर आईटीआई छात्रों की कौन कौन समस्याएं आपको देखने को मिल रही है। तो फ्रेंड्स, यहां पर जब भी आप लोग एनसीबीटी एमआईएस की ऑफिशियल वेबसाइट पर आते हैं और यहां पर आप लोग ट्रेनिंग प्रोफाइल पर ओपन करते हैं अपना, तो ट्रेनिंग प्रोफाइल की ऑप्शन जैसे ही आते हैं पेज पर, तो यहां पर आप लोगों ने अपना रोल नंबर भी सही डाला है, बिल्कुल करेक्ट है। फादर्स नेम भी आप लोग करेक्ट है, डेट ऑफ बर्थ भी आपका करेक्ट है, इमेज टेक्स्ट भी आप लोग करेक्ट है, और सबमिट करते हैं तब आप लोगों का प्रोफाइल भी ओपन होता है। तो यहाँ पर बहुत से छात्रों का प्रोफाइल ओपन नहीं होता है, तो पहले मैं उनका यहाँ पर डाउट क्लियर करूंगा कि फ्रेंड्स, यहाँ पर जब आप लोग रोल नंबर अपना फिल कर रहे हैं, तो आप लोग अपने रोल नंबर के आगे कैपिटल आर लिखिए, और जो आपका 00 है इसको हटा दीजिए। यहाँ पर कैपिटल आर लिखने के बाद जो आपका 17-18 रोल नंबर है वो यहां से आप लोग शुरू कीजिएगा। इसके बाद आप लोगों का जो फादर्स नेम है वो कैपिटल यानी अंग्रेजी के बड़े अक्षर में आप लोग इसमें टाइप कीजिएगा। इसके बाद डेट ऑफ बर्थ को आप लोग कैलेंडर चूज करिएगा, या फिर आप लोग ऐसे कुछ इस प्रकार लिख सकते हैं कि आप लोग जैसे एग्जाम्पल है 5/05-FEB-2013, कुछ इस प्रकार आप लोग लिखिएगा। इसके बाद आपका जो इमेज टेक्स्ट है यहाँ पर आप लोग फिल कीजिएगा। इसके बाद ये आप लोग सबमिट कीजिएगा, आप लोगों का 100% आप लोगों का प्रोफाइल ओपन हो जाएगा। ठीक है, तो मैं यहाँ पर एक स्टूडेंट का प्रोफाइल ओपन कर लिया हूँ। आगे आपको मार्कशीट और सर्टिफिकेट डाउन करने में क्या प्रॉब्लम आ रही है ये मैं आपको बता दे रहा हूँ। ठीक है, तो यहाँ पर बहुत से स्टूडेंट का कहना है कि उनका जो मार्कशीट सर्टिफिकेट है उनका यहाँ पर 3 डेज बहुत ही पहले से लिखा रहा है, 3 दिन के बाद भी उनका जारी नहीं किया गया है। तो आइए यहाँ पर देखते हैं बिल्कुल प्रूफ के साथ। तो जो जब आप लोग नीचे आएंगे तो यहाँ पर आपको मार्कशीट का ऑप्शन मिल जाएगा, सर्टिफिकेट का ऑप्शन मिल जाएगा। ठीक है, जिन भी छात्रों का रिजल्ट आ चुका है वे छात्रों को प्रॉब्लम सस्ता देखने को मिल रहा है, तो आप लोग वीडियो बने रहिए। तो यहाँ पर देखिए मार्कशीट में जैसे मैं यहाँ पर क्लिक करता हूँ, तो देखिए यहाँ पर नीचे क्या आ गया। तो देखिए यहाँ पर दिया गया है मार्कशीट डाउनलोड इज अंडर मेंटेनेंस एंड विल बी अवेलेबल आफ्टर 3 डेज। ठीक है, तो यहाँ पर मैं पहले भी वीडियो बना चुका हूँ आईटीआई छात्रों के रिजल्ट को लेकर, जो कि बिल्कुल सही आप लोगों को रिजल्ट बताया था कि आप लोगों का रिजल्ट आ चुका है, तो उसी दिन आप लोगों का रिजल्ट भी जारी हो चुका था। ठीक है, तो वे छात्र जो भी मेरे चैनल से जुड़े हुए हैं उनको मालूम है कि आपको इस चैनल पर 100% सही जानकारी आपको मिलती रहती है। तो यहाँ पर देखिए आप लोगों को मैं एक वीडियो और बनाया था, जो कि डीजीटी के वेबसाइट पर ही आप लोगों का अपडेट किया गया है कि आप लोगों का जो वेबसाइट है वो अंडर 3 डेज के बाद आप लोगों का अपडेट किया जाएगा, उसके बाद आप लोगों का रिजल्ट जारी कर दिया जाएगा। लेकिन आप लोगों का 3 डेज के बाद तो आप लोगों को मेंटेन करके वेबसाइट पे के बाद आप लोगों का रिजल्ट आ चुका था। लेकिन यहाँ पर आप लोगों का एक और आईटी छात्रों को प्रॉब्लम आई, जो कि आईटीआई के जो वेबसाइट है एनसीबीटी मैथ्स का, उस पर आप लोगों का अपडेट किया गया था कि आप लोगों का जो मार्कशीट सर्टिफिकेट है वो आप लोगों का 10 से या 15 दिन के बाद आप लोगों का जारी कर दिया जाएगा। ठीक है, तो आप लोगों का 15 दिन अभी तक नहीं हुआ है, इसलिए आप लोगों का ऐसा दिखा रहा है। ठीक है, लेकिन यहाँ पर जितने भी छात्रों का 3 डेज दिखा रहा है, तो ऐसे छात्रों कमेंट्स भी कर रहे हैं कि मेरा 3 डेज कंप्लीट हो चुका है लेकिन फिर भी ऐसा दिखा रहा है। तो फ्रेंड्स, मैं आप लोगों को बता दूं कि आप लोग 3 दिन के यहाँ पर चक्कर में ना पड़े, आप लोग का जो रिजल्ट आया है वहां से उस दिन से आप लोग काउंट कीजिएगा 15 डेज का। ठीक है, यानी 2 वीक का आप लोग इंतजार करिए, आप लोगों का 2 वीक के बाद आप लोगों का रिजल्ट का जो मार्कशीट है और सर्टिफिकेट है वो फाइनली आप लोगों का डीजीटी द्वारा जारी कर दिए जाएंगे। और देखिए मार्कशीट का यह प्रॉब्लम रहा, और यहाँ पर देखिए सर्टिफिकेट जैसे क्लिक करते हैं तब देखिए सर्टिफिकेट का कुछ इस प्रकार का प्रॉब्लम यहाँ पर शो हो रहा है। ठीक है, एक बार मैं फिर से आपको दिखा दे रहा हूँ। तो यहाँ पर देखिए आप लोगों का दिया गया द कंसर्न्ड सर्टिफिकेट इज नॉट जनरेटेड येट, प्लीज ट्राई आफ्टर सम टाइम। ठीक है, यहाँ बता रहे हैं कि आप लोगों का जो सर्टिफिकेट है अभी जनरेट नहीं किया गया है, आप लोग प्लीज आफ्टर सम टाइम आप लोग ट्राई करते रहिए। ठीक है, तो यहाँ पर कुछ इस प्रकार का बातें बता रहा है। तो अब आप लोग कन्फ्यूजन में रहें, आप लोग 15 डेज का इंतजार करिए, क्योंकि आप लोगों का अभी डीजीटी के द्वारा जो सर्टिफिकेट है वो अभी जनरेट नहीं किया गया है। हालांकि आप लोगों का जो मार्कशीट है वो 3 डेज के बाद आप लोगों का
का यहाँ पर अपडेट कर दिया जाएगा, और आप लोगों का जो सर्टिफिकेट है वो 15 दिनों के बाद आप लोगों का जारी किया जाएगा, ठीक है। तो आप लोग 2 वीक का इंतजार करिए, जैसे ही आप लोगों का सर्टिफिकेट मार्कशीट जनरेट होता है मैं आप लोगों को वीडियो प्रोवाइड कर दूंगा कि आप लोगों का आ चुका है, डाउनलोड कर लीजिए, कैसे करना है वो भी मैं आप लोगों को बताऊंगा, लाइव आकर चेक करके आप बताऊंगा। और जिन भी छात्रों के डाउनलोड नहीं हो रहे हैं वो अपना कमेंट बॉक्स में रोल नंबर, फादर्स नेम, डेट ऑफ बर्थ कमेंट करिए, मैं आप लोगों को लाइव आकर के आपको चेक करके बताऊंगा। धन्यवाद।